नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चाइनीज वायरस को लेकर बड़ी खबर आई है, इसमें सरकार ने निकलते समय मुंह ढकना अनिवार्य कर दिया है। तो वहीं आज की बड़ी खबर में ये खबर आई है कि सरकार 28 दिनों के लिए लॉकडाउन और बढ़ाएगी। बड़ी खबरों में स्कूल कॉलेज और धार्मिक आयोजन को लेकर बड़ी खबर आई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पर सरकार के द्वारा क्या फैसला लिया गया है। तो वहीं पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। और बड़ी खबरों में ये खबर भी आपको बताएंगे कि मोदी सरकार संकट की इस घड़ी में लोगों के लिए एक बड़ी राहत पैकेज की घोषणा करेगी। तो वही बेरोजगारी को लेकर भी बड़ी बात कही गई है। दोस्तों इन सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके। लेकिन दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए फटाफट आपको पहले कोरोना की स्थिति बता देते हैं। बात करें भारत की तो अभी 5,351 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि दुख की बात ये है कि 161 लोगों की इस चीनी वायरस से मौत हो चुकी है। तो वहीं 469 लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं। दोस्तों अगर बात करें पूरी दुनिया की तो अभी 14,32,381 लोग चीनी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 82,107 लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं 3,02,800 लोग इस चीनी वायरस से ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बड़ी खबरों को जो इस वक्त निकल कर आ रही है। घर से निकलते समय मुंह ढकना जरूरी, सरकार ने जारी किया फरमान। दोस्तों कोरोना वायरस को मात देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह को ढक के रखना ही एक कारगर उपाय है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से बार बार सामाजिक दूरी बनाकर रखने और मुंह को हमेशा कपड़े या मास्क से ढककर रखने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो यहाँ तक कह चुके हैं कि लोगों को घरों में भी मुंह और नाक को कवर करके रखना चाहिए। तो इसी अपील के बाद सरकार ने अब इन बातों को जरूरी कर दिया है। ओडिशा सरकार ने लोगों के लिए घरों से निकलते समय मुंह और नाक को ढककर रखना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने कहा है कि मुंह और नाक को कवर करने के लिए दो परतों वाले कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। इनके लिए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी काम से घर से निकलते समय लोगों को अपने मुंह और नाक को कपड़े या मास्क से ढककर निकलना होगा। रुमाल या कपड़े की दो परतों से मुंह को कवर करके रखना होगा। तो दोस्तों आप भी जब घर से बाहर निकलें तो अपने चेहरे को ढककर निकलें। बात करें अगली बड़ी खबर की तो लॉकडाउन के बीच पेट्रोल डीजल की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं, लेकिन जल्द बढ़ सकते हैं दाम। दोस्तों कोरोना वायरस के खौफ से दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन चल रहा है। ज्यादातर देशों में लॉकडाउन की अवधि 21 दिन या इससे अधिक है। ऐसे में लोगों के वाहन सड़कों पर बहुत कम चल रहे हैं, परिवहन सेवाएं भी बहुत कम हैं, जिस वजह से पेट्रोल डीजल की मांग में कमी आई है। लेकिन फिर भी आज 8 अप्रैल 2020 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। आपको बता दें तेल कंपनियों ने ये संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों आपको बता दें 1 अप्रैल से BS6 फ्यूल की शुरुआत पूरे देश में हो गई और उसी दिन से राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी बढ़त दर्ज की गई। कोलकाता में जहां पेट्रोल के दाम 1.01 रुपए बढ़ा तो डीजल 1 रुपए महंगा हुआ, तो वही बेंगलुरु में पेट्रोल का दाम 1.58 रुपए बढ़कर 73.55 रुपए प्रति लीटर हो गया और डीजल का भाव 1.55 रुपए की बढ़त के साथ 65.96 रुपए हो गए हैं। इसके अलावा जसपुर में पेट्रोल 2.24 रुपए बढ़ा है, तो वहीं डीजल भी 2.15 रुपए महंगा होकर 69.28 रुपए लीटर के भाव से बिक रहा है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ाने का ऐलान किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर 22.98 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लग रही है। इसी प्रकार से दिल्ली में डीजल पर एक्साइज 18.83 रुपए प्रति लीटर की दर से वसूली जा रही है। दोस्तों देश की तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL और IOC आज सुबह 6 बजे के बाद पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी करती है। नए रेट्स जानने के लिए आप वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं मोबाइल फोन पर SMS के जरिए भी रेट चेक कर सकते हैं। आप 9200492949 नंबर पर SMS भेजकर भी पेट्रोल डीजल के भाव के बारे में पता कर सकते हैं। आपको RSP स्पेस पेट्रोल पंप डीलर का कोड लिखकर 9200492949 पर भेजना पड़ेगा।
अगर आप दिल्ली में हैं और मैसेज के जरिए पेट्रोल डीजल का भाव जानना चाहते हैं, तो आपको RSP 10-20-72 लिखकर 9292492249 पर भेजना होगा। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो भारत बायोटेक 4 महीने में शुरू करेगा वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। नाक में सिर्फ एक बूंद डालना काफी। दोस्तों ये एक बड़ी खबर है, भारत समेत दुनिया भर के देश कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। अमेरिका और चीन में इस वायरस का टीका सबसे पहले विकसित करने की होड़ लगी है, लेकिन इसी बीच खबर है कि हैदराबाद की वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना वायरस का टीका बनाया है और अगले 4 महीने में इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देगा। आपको बता दें अभी इस वैक्सीन का जानवरों के ऊपर ट्रायल चल रहा है, लेकिन 4 महीनों में इसका इंसानों में भी ट्रायल शुरू हो जाएगा और 2020 खत्म होने से पहले यह टीका इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो सकता है। हैदराबाद कंपनी भारत बायोटेक ने इस टीके की टेस्टिंग विस्कॉन्सिन मेडिसिन एंड वैक्सीन डेवलपर फ्यूजन यूनिवर्सिटी के सहयोग से अमेरिका में भी करा रहा है। कंपनी ने यह टीका नेजल ड्रॉप के रूप में तैयार किया है, यानी टीके की केवल एक बूंद नाक में डालनी होगी। कोरोफ्लू नाम का यह टीका कोरोना के साथ फ्लू का भी इलाज करेगा। भारत बायोटेक के CMD व विज्ञानी डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने बताया कि COVID-19 का वायरस नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है और फेफड़ों में पहुंचकर उसे संक्रमित करता है, इसलिए टीका देने के लिए भी नाक का रास्ता चुना गया ताकि यह वायरस पर तेज व गहरा असर कर सके। कंपनी ने तय किया है कि इसे मल्टी डोज वैक्सीन के रूप में तैयार किया जाएगा, यानी एक ही बोतल में 10 या 20 बूंदें होगी ताकि इसका रखरखाव और डिलीवरी में आसानी हो। कंपनी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जहां आंगनबाड़ी या आशा वर्कर काम करते हैं, वे इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। ऐसे में इस टीके को देने की सरल विधि होना जरूरी है, तो नाक में केवल एक बूंद डालने का टीका होगा तो उनकी डिलीवरी बहुत आसान होगी। तो खुशी की बात है, भारतीय कंपनी ने कोरोना का टीका तैयार करने में सफलता हासिल की है। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो मोदी सरकार बढ़ा सकती है लॉकडाउन, राज्य सरकारें और विशेषज्ञ कर रहे हैं मांग। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। देश में चल रहे 21 दिन के लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का कई राज्य सरकारें और विशेषज्ञ केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि सूत्रों का कहना है कि कई राज्य सरकारें और विशेषज्ञ केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह लॉकडाउन का विस्तार करे और अब केंद्र सरकार इस दिशा में सोच रही है। इससे पहले 7 राज्यों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए फिलहाल लॉकडाउन नहीं हटाने की इच्छा जताई थी और कहा था कि उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। इन राज्यों का कहना है कि 14 अप्रैल सोमवार को 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी वह प्रतिबंध जारी रखेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का कहना है कि वह अपने राज्य में बिल्कुल भी लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं है। तो वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, असम, छत्तीसगढ़ ने भी यही इच्छा जताई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा कि इंटर स्टेट वैट्रियल बैन को हटाने से वायरस का प्रसार हो सकता है। तो दोस्तों लगता है 14 तारीख के बाद भी आपको लॉकडाउन खुलने का और इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देशवासियों के लिए एक और बड़ी राहत की घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। दोस्तों कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से संपूर्ण देश में लॉकडाउन की है, तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस बीच खबर आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना वायरस की भीषण चुनौती से निपटने के लिए एक और बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार मोदी सरकार ने लॉकडाउन समाप्त होने के बाद की स्थिति पर गंभीर विचार करना शुरू कर दिया है। सरकार लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को कम करने के लिए एक और राहत पैकेज पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। सरकार उन मुद्दों पर ध्यान दे रही है जो 15 अप्रैल को लॉकडाउन का समाप्त होने के बाद सामने आ सकते हैं। इसके लिए एक ऐसे पैकेज पर विचार किया जा रहा है जिसमें जनता को लॉकडाउन का ज्यादा भार न लगे। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले कोरोना संकट के बीच देश के कई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपतियों से फोन पर बात की थी। PM ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्ष के दिग्गज नेताओं से भी फोन पर बात की थी। इसका मतलब एक बड़ी योजना पर सरकार विचार कर रही है। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, बेरोजगारों को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन के दौरान बढ़ी बेरोजगारी। एक्सपर्ट का अनुमान, 2 हफ्तों में 5 करोड़ ने गंवाया ये रोजगार। दोस्तों कोरोना वायरस ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी असर डाला है। इस 21 दिनों के बंद के दौरान 5 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए हैं। 2 हफ्तों में ही 5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है।